1958 में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना के लिए विधेयक पास किया था। नासा की स्थापना एक ऐसी असैनिक एजेंसी के रूप में की गई जिस पर अमेरिका के अंतरिक्ष संबंधी सभी गतिविधियों का संयोजन करने का जिम्मा था। तब से लेकर आज तक दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में नासा ने कई अंतरिक्ष अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। हमारे सौरमंडल और पूरे ब्रह्मांड के बारे में नासा के कई अभियानों के जरिए ही नई जानकारियाँ मिली हैं। 1968 में आज ही के दिन पोप पॉल अष्टम ने ईसाइयों के लिए गर्भ निरोधकों पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर विचार के लिए बने चर्च के एक आयोग ने सिफारिश की थी कि गर्भ निरोधकों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया जाए। इस आयोग ने कहा कि पूरी दुनिया में औरतें असामाजिक रूप से स्वतंत्र होती जा रही हैं, इसलिए चर्च को भी गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए। 2 साल बाद चर्च में भारी बहस के बाद पोप ने अपना रुख थोड़ा नर्म किया और दवा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास हालात में महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई। आज के दिन 1981 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी हुई थी। उस वक्त लगभग 70 करोड़ लोगों ने टीवी पर इस शाही शादी को देखा था। सदी की शादी और परिकथाओं की शादी के नाम से विख्यात हुए जलसे के लिए ब्रिटेन में इस दिन को राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया। लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में करीब 3500 लोग इस शादी के गवाह बने, जिनमें सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं दूसरे देशों के भी राज परिवार के लोग शामिल थे। हालांकि ये दोनों लंबे समय तक साथ नहीं रह सके। 1992 में दोनों अलग हो गए और 1996 में इनका तलाक भी हो गया। साल 1997 में डायना की एक कार हादसे में मौत हो गई थी। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन के भी 2 बच्चे हैं। आज के दिन 1987 में भारत श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जे जयवर्धने के साथ कोलंबो में भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के जरिए श्रीलंका में जारी गृह युद्ध को रोकने के प्रयास किए जा रहे थे। समझौते की शर्तों के तहत श्रीलंकाई सरकार द्वारा प्रांतों को अधिक अधिकार देना तय हुआ। साथ ही यह भी तय हुआ कि श्रीलंका की सेना वापस लौट जाएगी।